नमस्कार। चुनावी चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं सहरसा जिले की। सहरसा जिले के बारे में कुछ बताएं आपको। उससे पहले ये बता दें कि इस जिले में मतदान की जो तारीख तय की गई है वो आखिरी चरण में है। इस जिले में 4 सीटें हैं, चारों सीटों पर ही आखिरी चरण में मतदान होगा। वो 4 सीटें हैं सहरसा सदर, सिमरी बख्तियारपुर, और उसके बाद 2 और सीटें महिषी और सोनबरसा। फिलहाल इन चारों ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। महागठबंधन यूं समझिए कि 2015 के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इस पर विशेष चर्चा के लिए मेरे साथ नोएडा से मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं अभिषेक कुमार। चलते हैं अभिषेक जी के पास और सबसे पहले उनसे जानते हैं कि सहरसा में जो 2 सीटें हैं, शुरुआती 2 सीटों के बारे में अभिषेक जी से जानकारी लेते हैं। अभिषेक जी बताएं। नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं पहले थोड़ा सहरसा के बारे में बता दूं। सहरसा एक ऐसा इलाका है बिहार का जो हर साल बाढ़ के चपेट में आता है, तो सबसे पहले बता दूं। और यहाँ बेसिक चीजों की बड़ी जरूरतें हैं सहरसा जिले में, जैसे कि लोगों को स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, तो इस तरीके की बेसिक जरूरतें यहाँ के लोगों के सामने बहुत बड़ी पुरानी है समस्याएं, आजादी के बाद से ही चलती आ रही है, जो समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाई है। तो अभी भी ये इलाका जो पूरा सहरसा का इलाका वो बाढ़ की चपेट में अभी भी इस साल भी वो झेल रहा है। अभी भी वो अभी दोबारा से जो पानी का कटाव हुआ है उसका उसकी द, उसका दंश झेल रहा है। जहां तक विधानसभा सीटों की बात है तो मैं सबसे पहले बात करूंगा महिषी विधानसभा सीट की, क्योंकि ये महिषी विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि ये जो सीमांचल का जो इलाका है, इस इलाके में अब्दुल गफूर, डॉक्टर अब्दुल गफूर थे, उनका इलाका कहा जाता है ये महिषी का इलाका। ये आरजेडी के बहुत बड़े नेता थे। जब से लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का गठन किया था तब से ये आरजेडी में बने हुए थे। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसी साल इनकी असामयिक मौत हो गई थी। यहीं के SLBBS अस्पताल है उसमें इनका निधन हो गया था। तो ये एक बड़ी दुखद घटना है। और इनके बारे में कहा जाता है 2010 से ये 2010 ये लगातार विधायकी यहाँ से जीत रहे थे आरजेडी के टिकट पर। 2015 में जब जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस सरकार मिलकर के आरजेडी ने सरकार बनाई थी तब इनको अल्पसंख्यक मामलों कल्याण मंत्री भी बनाया गया था। तो ये लालू यादव के बड़े करीबी माने जाते थे, ये इलाका कहा जाता है। पिछले चुनाव के जहां तक बात करें तो महिषी विधानसभा सीट में डॉक्टर अब्दुल गफूर को करीब 38.77% वोट मिले थे। कुल वोटों के हिसाब से कहें तो करीब 56,433 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर चंदन कुमार शाह रहे थे, RLSP के नेता थे ये, इनको करीब 20.81% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर गौतम कृष्णा रहे थे, ये पप्पू यादव की पार्टी JJP के कैंडिडेट थे। 2010 में भी यहाँ से अब्दुल गफूर जी थे, जैसा कि मैंने बताया। तो कुल मिला के कहूँ ये इलाका आरजेडी का बाहुल्य इलाका है, पुराना इलाका है। इस बार देखने को मिलेगा कि यहाँ क्या है कंडीशन होता है, क्योंकि इस बार JDU उससे अलग है महागठबंधन से। तो BJP JDU क्या इस का गठबंधन जो है इस इलाके में क्या कर पाती है, देखना दिलचस्प होगा। उसके बाद बात करते हैं हम सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट की। तो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर भी इस वक्त आरजेडी के प्रत्याशी विधायक हैं। इनको 2015 के विधानसभा चुनाव में करीब 53.3% वोट मिले थे, और इनको करीब 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, 1,28,000, करीब 1.25 लाख वोट मिले थे। और दूसरे नंबर पर आलोक रंजन रहे थे, इनको 32.82% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर संजना देवी रही थी, JJP की, पप्पू यादव की पार्टी की, उनको तीसरे नंबर पर रहे थे। और 2010 के विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है तो संजीव कुमार झा BJP के यहाँ से विधायक बने थे। इस सीट की खास बात बता दूं कि यहाँ पर BJP और RJD का हमेशा से कड़ा मुकाबला होता रहा है इस सीट पर। 2000 से 2015 तक इस सीट पर BJP का कब्जा रहा। 2015 में BJP ने RJD ने सीट को झटक लिया, क्योंकि उस वक्त उनके साथ JDU और कांग्रेस भी थी साथ में, तो उसका उनको फायदा मिला था। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि सहरसा सीट पर दोबारा से BJP झटक पाती है, अपने पाले में कर पाती है या नहीं। ऋषि जी बिल्कुल, आपने हमारे दर्शकों को महिषी और सहरसा सदर की जानकारी दी। मैं आगे बढ़ता हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सिमरी बख्तियारपुर सीट पर आता हूँ। इसे JDU की परंपरागत सीट कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। 2015 में दिनेश चंद्र यादव JDU के थे, वो जीते थे कैंडिडेट, और इन्हें करीब 47.52% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर LJP के यूसुफ सलाउद्दीन रहे थे, जो कि उस समय NDA के पार्टनर थे, इन्हें करीब 24.64% वोट ही मिले थे।
और 2010 में भी इस सीट पर जेडीयू का ही कब्जा रहा था, हालांकि उम्मीदवार दूसरे थे, अरुण कुमार थे, वो जीते थे। ये आपको सिवरी बख्तियारपुर का है। और अगर मैं बात करूं सोनबरसा की, तो एक सुरक्षित सीट है, रत्नेश सदा है, कहना गलत होगा कि दो बार से जेडीयू का इस पर लगातार कब्जा है। रत्नेश सदा ही उम्मीदवार थे, 2010 में भी जीते थे इस बार, और 2015 में भी रत्नेश सदा ही जीते। हालांकि यहाँ पे एक चीज अच्छी या बुरी जो कहें, मतलब एक मतदान की जो ताकत होती है वो दिखी थी। तीसरे नंबर पे नोटा आया था, यानी तीसरे नंबर पर, यानी कि मान के चलिए करीब करीब 10% लोगों ने नोटा पर बटन दबाया था, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार रत्नेश सदा को 59.66% मिले थे और 23.53% LJP यानी कि NDA उम्मीदवार को मिले थे। तो कुल मिलाकर नोटा का भी अच्छा खासा इस पे असर रहा था। अब अगर बात मुद्दे की करें, अगर हम अभिषेक, तो मुद्दे जो है इसके तीन बड़े मुद्दे हैं जो काफी जो सहरसा के लोग हैं वो चाहते हैं कि इनका समाधान जल्द हो, लेकिन आज तक वो समाधान नहीं हो पाया है। इनमें जो पहला मुद्दा है वो है सहरसा रेलवे ओवरब्रिज। काफी समय से इसकी मांग की जा रही है, सहरसा रेलवे स्टेशन पे एक ओवरब्रिज बनाने, रेलवे स्टेशन के पास एक ओवरब्रिज बनाने के लिए। ये आज तक ओवरब्रिज नहीं बन पाया, लोग इससे काफी नाराज हैं इन चीजों को लेकर, जनप्रतिनिधियों से, खासकर शहरी इलाके में, शहर सहरसा सदर में। दूसरे अगर मुद्दे की हम बात करें, तो दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है बैजनाथपुर पेपर मिल। 1980 में ही बन गया था, आज करीब करीब इसको बने हुए 40 साल हो चुके हैं, ये पेपर मिल आज तक चालू नहीं हुआ, इससे भी लोगों में खासी नाराजगी है। उसके अलावा शहरी इलाके में जल भराव, ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है, शहरी इलाके में इसका खास असर पड़ता है इस मुद्दे का। और ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो बाढ़ से त्रस्त इलाका है सहरसा, कोसी के कोप का हर साल शिकार बनता है, प्राकृतिक आपदा झेलना मानवीय जिले की एक नियति है, बाकी कोसी के सटे जिलों की तरह। और अगर बात करें अपराध की, तो अपराध भी यहाँ बहुत होते हैं, अपराध का ग्राफ यहाँ हमेशा चढ़ा रहता है। तो अभिषेक, हम लोगों ने यह चर्चा की सहरसा के बारे में, इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, चूंकि अभी तक तो सीट ही डिसाइड नहीं हो पाई है आज की तारीख तक, 3 अक्टूबर तक, की किस जिले से कौन, किस सीट से कौन लड़ेगा, तो अभी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। एक बार सीट शेयरिंग का मामला क्लियर हो जाए तो फिर जाकर कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। हाँ, हालांकि यह है कि NDA इस बार खाता खोलने को बेचैन है, 2015 में जो हार मिली थी, करारी हार इस जिले से सफाया हो गया था, उसको वो किसी तरह से बेचैनी में है कि किसी तरह से यहाँ पे एक सीट हासिल की जाए। तो खैर, 2020 के चुनाव में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 7 नवंबर को यहाँ मतदान होगा और 10 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि भाई किसके हाथ सहरसा की जनता ने ताज को दिया है। हम अब इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे। हम दर्शकों से फिर से अपील करें कि आप मतदान जरूर करें, और ये आपका अधिकार है, 5 साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें। कल हम फिर मिलेंगे किसी और नए जिले के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और अभिषेक जी को इजाजत। नमस्कार।